नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्सोल वाटर आयनाइजर प्रेजेंट्स द टाइसन टॉक शो दिल से के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ या ऐसे शख्सियतों के साथ बैठे हुए हैं जो सिल्वर स्क्रीन में चमकते हैं, जो मूवीज में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्टर बामंग साइमन और उनके नए फिल्म निमा के कास्ट मिस अगिम चोंगरुजू एंड मिस्टर पंकज फ्लागो के साथ। तो मेरा शक्ल तो आपको देखने के लिए आज इतना अच्छा नहीं लगेगा, चलिए सीधे बात करते हैं, हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मार्क जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जो नया फिल्म है निमा, नाम तो बहुत ही सिंपल है बट स्टोरी मेरे ख्याल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़रा रोशनी डाला जाए इस पर, क्या है, कैसा है ये फिल्म? ये जो कहानी है सब कुछ एक लड़की के ऊपर ही बेस है। ओके, एंड इट्स बेस ऑन ट्रू स्टोरी, और जो फिक्शनाइज किया है मैंने, सोचा है मैंने, खुद बनाया है। तो स्टोरी मैंने ही लिखा है और स्क्रिप्ट हम सब मिलके बनाया है। एंड स्टोरी में ये है कि ट्रेजिक बहुत ज़्यादा है, सस्पेंस है, इमोशन है, कॉमेडी है, आपको जो मूवी में चाहिए सब मिलेगा, द होल पैकेज, पैसा वसूल, पैसा वसूल। ओके, सही है, बहुत अच्छा है। वैसे मेरे दर्शकों को तो शायद पता होगा, जो बामंग मार्क जी हैं वो यू नो ही इज़ ऑलरेडी अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में देखने जाने से इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक मूवी मेकर्स। बहुत सारे म्यूजिक वीडियो बनाया आपने, मूवीज़ भी मेरे ख्याल से बहुत बनाया आपने, शॉर्ट मूवीज, सीरीज़ है आपका, बहुत कुछ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यू नो, लेट्स जस्ट गो टू द बिगिनिंग, लाइक हाउ डिड इट स्टार्ट? आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक प्रोफेशनली ट्रेन भी नहीं हो बट यू आर वेरी सक्सेसफुल, सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, लाइक शुरुआत कैसा हुआ ये? शुरुआत में मैंने मोबाइल से शुरू किया था, आई यूज टू शूट इन मोबाइल, तो उसमें काइन मास्टर ऐप था और मुझे पता नहीं था कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे शूट करता है। कुछ भाई लोग को मिला, बहन लोग को मिला, वो लोग साथ देना शुरू किए, भैया चलो मिल के बनाते हैं, इट स्टार्ट ऐसे ही शुरू हुआ है। तो जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट था, या इस मुकाम तक पहुँचे कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज यहाँ पहुँच कर आप लोग से बात कर कर पता चल रहा है कि सही में ये मेहनत जो किया था, जा चुका था, जो बिगिनिंग था सही में था, ये सही रास्ता में जा रहा था। 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है बाय द वे इनका। ओके, सो छोटा मोटा बात नहीं है। एनी वे, विल सेव द बेस्ट वन फॉर द लास्ट, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो सीधा हम पंकज जी आपसे पूछते हैं, यू नो आई थिंक यू बीन देयर विद मार्क जी के साथ, आप ऑलमोस्ट शुरुआत से ही हैं, सो आप बताइए, लाइक हाउ डिड यू मीट हिम, लाइक मिला कैसे, और ये मूवी में जो इंटरेस्ट है, हीरो तो सब बनना चाहता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी, हम लोग भी सोचा था क्या पता कभी दिन बन जाएगा, बट थैंक गॉड नहीं बना। बट आपसे पूछना चाहूँगा, यू नो हाउ डज दिस कॉन्फिडेंस कम, एंड मतलब शुरुआत कैसा हो, मिला कैसे आप लोग दोनों? एक्चुअली ये मेरा भाई है एज में, तो मैं तो उस दौर से, जब 2011 से उस दौर से मैंने ये मूवी इंडस्ट्री में कदम रखा था। एक्चुअल बात ऐसा है कि इन शॉर्ट मैं तो कभी सोचा नहीं था एक्टर में जाएगा, तो हाँ हमको भी ये मतलब लगा था इसमें हमको बैकडोर में काम करना चाहिए, इसलिए मैंने एडिटिंग को सीखा और कैमरा वगैरह को सीखा। तो उस दौर से मैंने इंटरेस्ट, जीनियर इंटरेस्ट का साथ चल रहा था। तो बीच रास्ता में मैं सिंस 2014 में था, आई थिंक हम मिला था। ओके, जब मैं मेरा एक भाई को देखा, मैं लुक फ्ला को, तो उन्होंने बताया आशीन बामंग श्यामक के साथ में उस प्राइम में काम करता है, तो मैंने बोला उसको भाई एक बार हमें भी मिला दीजिए उसको, तो आप लोग जो कर रहे हैं वो चीज को मैं एज ए सीनियर मैं गाइड करना चाहूँगा। तो ऐसा करके हम लोग वहाँ से रूबरू हुआ, तो ऐसा करके हम लोग ने एक आईजी पार्क में एक ये जो 26 जनवरी में हम लोग ने मुलाकात हुआ, उसमें हम लोग गवर्नर का सामने और सीएम का सामने में एक वर्कशॉप ये तैयार किया था, ये जो टॉपिक था ये क्या था, ये जो IMC का स्वच्छ भारत उसमें ट्रक का ऊपर में घर बना के हम लोग का एक्ट करना, तो उसमें हम लोग जर्नी शुरू किया, उससे धीरे धीरे मुलाकात हुआ,
इसके बाद में अभी ये मूवी तक हम लोग ने जर्नी साथ में किया ऐसा. See, the problem with actors is that they always tend to look younger than, you know, what they actually are. Jaise abhi aapko dekhne se, don't mind me saying this, but you look like the younger one. He looks like the older one. But the problem is, it's actually the opposite, na? Damn these actors. Anyway, to chaliye, Miss Agim, aapke paas aate hain, you know, aap bhi, I'm sure aapne bhi kaafi music videos mein kaam kiya hai aapne bhi. तो आप बताइए, लाइक यू नो, हाउ डिड योर इंटरेस्ट डेवलप. आई मीन, जैसे जैसे मैं कह रहा था, लाइक सबको ना आईना में देखना, टिकटॉक्स बनाना, सेल्फी बनाना, वो सब तो है, बट यू नो, कब सोचा कि लाइक चलो यार कर ही लेता, ये कब आया आपके अंदर? एक्चुअली मैं टिकटॉक कर दी थी. ओके, नो सरप्राइजेस एट ऑल. टिकटॉक कर दी थी, वहां मेरा इंटरेस्ट वहीं से स्टार्ट हुआ. टिकटॉक क्या, जब टिकटॉक बैन हो गया था, उसके बाद मैंने अपने समाज पे पोस्ट भी ऐसे कुछ बनाया. तो उसके बाद कुछ साल के बाद मुझे सैमन सर का फोन आया कि मूवी के लिए ऑडिशन देना है. तो मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया, तो पास हो गई, तो मैं बोमडिला से आ गई ठनगर. यू केम राइट बैक, राइट? तो मिस अगिम, जब टिकटॉक बैन हुआ तो आप रूम में बैठ के रोए हुए ऐसे तो नहीं था ना? मेरी जो भाई है वे सब मुझे छेड़ रहा था, टिकटॉक बैन हो गया तुम रो रहे क्या, तो सब मुझे छेड़ रहा था. मैंने कहा तो थोड़ा सा सेल हुआ, लेकिन रोया तो नहीं. उसके बाद मैंने अपनी समाज पे एक दो शो भी बनाया. उसके बाद मुझे कॉल आया सैमन सर का, मुझे ऑडिशन देना था, ऑनलाइन ऑडिशन. तो मैंने दिया. तो कुछ दिन के बाद मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए. हाँ, आप सिलेक्ट, मैं बहुत खुश थी. तो मैं सीधा बोमडिला सीतानगर आ गई. सो यू आर लाइक, यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप उधर में ही, आप पली बड़ी हो बोमडिला में. ओके, अच्छा लगा सुन के. तो साइमन जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने यू नो, यू बीन मेकिंग सो मेनी शॉर्ट मूवीज एंड ऑल दैट ना, तो कहीं से कुछ ट्रेनिंग में नहीं लिया था, या यू नो बस नहीं ऐसे कुछ निकल पड़े आप? वन मैन आर्मी है, अभी भी वन मैन आर्मी है. चीज जो काम जो मैनेज से लेकर डायरेक्टिंग से लेकर एडिटिंग भी सब चीज कर लेता हूँ. तो स्टार्टिंग तो यूट्यूब से ही आपको बताया है, वहाँ से ही सीखा है. जितना जब एक बार ये हुआ था, मतलब कि आपको सबको याद होता होगा, ऑडियंस सबको याद होगा कि जियो प्री सिम चल रहा था, तो उसका 30 days ट्रायल फ्री 4G, वो भी अरुणाचल, मतलब पूरा होल इंडिया में चल रहा था. तो उस समय में सब लोग बस क्या वीडियो डाउनलोड करने के लिए, एप्स डाउनलोड, गेम डाउनलोड करने के लिए बिजी हो रहा था. लेकिन उस समय में हम एडिटिंग सीखा है. उससे हम यूट्यूब से मैंने देखा है किस तरह से आप मोबाइल से भी एडिट कर सकता है, अपना लैपटॉप से एडिट कर सकता. उस समय मेरे पास लैपटॉप तो नहीं था, कैमरा भी नहीं था, ओनली फोन ही था. तो एप्स डाउनलोड किया, उसके बाद एडिटिंग सीखा सीखा सीखा. देन हम फिर से वो जो आर्टिस्ट पुराना वाला जो बहन भाई लोग था मेरा साथ में, उन लोगों को बुला के मैंने ट्रायल किया. ट्रायल मतलब होते ही कि नहीं होते हमसे. देन हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाया. ओके, उसमें पता नहीं था कि कोरियोग्राफ भी करता है, रिहर्सल भी करता है, स्टोरी भी लिखा जाता है. हम बस सेल्फी स्टिक पकड़ा, कैमरा को लगाया, ऑन करके रिकॉर्ड दबा दिया, एक्शन. वो जो करने करो, हमको बस खींचना है. ओके, ऐसे करके एडिट करके फेसबुक में डाला था. इतना गाली खाया, इतना गाली खाया, आज तक वो गाली को याद आता है. एक एक कमेंट में लिखा था, यार आप क्या कर रहे हैं, कुछ ढंग का बनाओ. तब वो जो कमेंट था, जो नेगेटिव कमेंट था, उसको मैंने हमेशा पॉजिटिव में लिया है, उसको एक मोटिवेशन सोर्स की तरह यूज किया है. दैट्स द मेन थिंग. मतलब शुरुआत तो जैसे कि यू नो, हर किसी का थोड़ा डावाडोल होता है, इट्स ऑलवेज अ शेकी स्टार्ट. बट जैसे कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात एक कहा कि नेगेटिविटी को भी आप हमेशा पॉजिटिवली आप लिया जाए, तो यू नो, यू स्टार्टेड लाइक दैट एंड नाउ तो अभी तो आप मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड यूट्यूबर्स ऑफ अरुणाचल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका जो चैनल है. ये तो हो गया, और ये तो आपने बताया आप अपना शुरुआत के बारे में. आप अभी बताइए, ये जो आपने कुछ सीरीज भी मेरे ख्याल से आपने बनाया, मैं उसमें भी जा, मतलब अरुणाचल का मेरे ख्याल से सीरीज फर्स्ट ही होगा आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पुराने जमाने में ऑफ कोर्स तारो चातुंग जी वगैरह वो लोग बनाते थे, बट दे डिड नॉट मेक सीरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक स्टोरी टेलिंग सीरीज. तो ये सीरीज का आइडिया कहाँ से आया आपका दिमाग में, और बताइए दर्शकों को एक दो सीरीज के बारे में, क्या है कैसा है?
ये जो शुरुआत ये हुआ था कि आई स्टार्टेड टू ऑब्जर्व पीपल्स, आदमी लोग क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो लोग क्या प्लानिंग करता है और कौन गलती कर रहा है तो कौन सही कर रहा है। तो देखते गया, स्क्रिप्ट भी लिखते गया, यहाँ वो बंदा ऐसे दिखता था, ऐसे बात करता था। तो ऐसे स्क्रिप्ट बनाने के बाद में समाज में जो चल रहा है, जो अनवांटेड चीज़ हो रहा है, जो वांटेड चीज, मतलब कि अच्छा चीज़ हो रहा है, ख़राब चीज़ हो रहा है, तो वो चीज़ को देख के मैंने स्टार्ट किया, बे इंतहा इश्क बोल के मैंने सीरीज शुरू किया कि कैसे करके लड़का लड़की तो प्यार में पड़ जाता है, शादी हो जाता है, ना ही पढ़ाई लिखाई है, ना ही उसका साथ में जॉब है। क्या होता है कि हम लोग का लड़का लोग टीनेजर एज में जो बस देखता है, मतलब अट्रैक्शन होता है, उसको ट्रू लव सोचता है, लेकिन वो नहीं होता है। सच्चा प्यार ऐसे नहीं मिला जाता है, सच्चा प्यार बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है या फिर आप सक्सेस होने के बाद मिलता है। तो हम देखा और स्टोरी उसमें मेरा भी अपना थोड़ा ऐड किया है। हम भी छोटा में मतलब जल्दी शादी हो गया था, सच बात है। आई एम ए मैरिड पर्सन, तो आप लोग गाइस मत सोचिए, लेडीज लेडीज प्लीज नॉट अवेलेबल। तो रिसेंटली मेरा बच्चा हुआ है, वाओ कांग्रेचुलेशंस बाय द वे। बॉय है, गर्ल हो या बॉय कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी पापा बन चुका है। तो चलो वापस स्टोरी में आते हैं। तो देखा कि मेरा खुद का मतलब खुद कमाई दमाई नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वही स्टोरी को लेकर जब हाथ में पैसा होता है चलो बहुत खुश होते हैं घर में, जब हाथ में कुछ नहीं होते तो आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन। पढ़ाई तो चलो कर लिया, 10th pass 12th pass ग्रेजुएशन सब कर लिया, लेकिन वो जो प्यार मोहब्बत का चक्कर पड़ के अपना कैरियर को, इसको हम बोले कि बर्बाद भी नहीं बोलेगा या फिर उसको खत्म भी नहीं बोलेगा, डिस्ट्रैक्शन करके डिस्टर्बेंस अपना रास्ता को बंद कर देता है। जो आपका प्लानिंग होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसको आप लोग नहीं सोचता है। तो चलो जो हो गया उसको हम खुद समझ गया था चीज़ों, लेकिन क्या है कि मेरा रास्ता में बहुत डिस्ट्रैक्शन था, बहुत तकलीफ हो रहा था। तो इसको स्टोरी में डाला गया बेन टू एस्क में। तो मैंने जो बहन था भाई था उसको करेक्टर बताया, इस तरह का मैं स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ, आप लोग रोल करेगा क्या? तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। हम मतलब हमको कुछ पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि वो इतना अच्छा एक्टिंग करेगा। तब से मेरे को इतना ही पता नहीं था कि कैमरा किस तरह से हैंडल करता है, जिन्हें इतने बोलता मतलब यार करा अरुणाचल भाषा बिल्कुल जिन्हें इतने हमको क्वालिटी से मेहतर नहीं था, हमको कोई क्वान्टिटी से मेहतर नहीं था, हमको मेरा बस स्टोरी बेस्ट जाना है, कंटेंट में रहना है और उससे किसी को मोरल मिलना है, किसी को सीख मिलना है, वही मेरा एक मोटिव था। तो इसलिए मैंने बेन तो इसको बनाया और पब्लिक का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, इसका वजह से चैनल भी ग्रो हुआ और आज तक याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी को। तो जिन्होंने अभी तक देखा नहीं, आप देखिए बे इंतहा इश्क, इट्स फ्री एंड इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बहुत ही अच्छा सीरीज है, जरूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए मिस आगिम आपके पास आते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक कंपेयर टू बोथ ऑफ देम यू आर क्वाइट यंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यू नो व्हेन यू फेस द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस ये बहुत एक ऑब्वियस क्वेश्चन होता है हर किसी के लिए ना, जब पहली बार आपने कैमरा फेस किया, सो व्हाट वाज इट लाइक, मतलब एक्साइटमेंट, नर्वस, या यू नो रो तो नहीं गया वहाँ पे आप पहला दिन में? उसके बारे में बताइए जरा। No, I mean for the first time. For the first time when you made a music video, the very first time when you faced a professional camera, like jab action bola na wo wala. Jab first mera jo short movie hua tha, ab jo Simon sir ne kaha na, hamare bhi aise hi hua, auto sport action, to hum humko bol deta ye karo, to humne wahi kar deta tha, action ha to wahi kar deta hum, bas wahi se experience aati. Ye to matlab aap how was it like, dar gaya tha, nervous tha, aise hi bola, how was that? Nahi bahut enjoy kiya actually na, auto sport mein aise bola tumko to aa ho gaya tha. पंकज सर आपसे भी पूछना चाहूंगा, यू नो जो पहला मोमेंट होता है ना, दैट यू नो गर्ल्स कैन बी एक्साइटेड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दे कैन बी फॉरगिवन फॉर दैट, बट अगर लड़का ज्यादा उछल कूद करने से दुनिया बहुत हार्श होता है लड़कों के ऊपर। सो आपसे पूछना चाहूंगा, यू नो the first time that you faced the camera, like thoda
सख्त लौंडा वाला एक्टिंग में आप बिजी हो गया ना, फ्लो में निकल गया अभी, जरा बताइए अभी। एक्चुअली जो आप तो पहले मैंने आपको बताया था, मैं जो जब फिल्म इंडस्ट्री में जब कदम रखा था, मैंने एक प्रिपरेशन के साथ में किया, ये जो तो मैं चलन नहीं लगाया सबसे पहले, मैं स्पोर्ट बॉय बन के आया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब आपका माध्यम से जो मेरा यंग बडिंग आर्टिस्ट है, तो एक्चुअल मैं ये भी बता दूँ आपको या आपका चैनल का माध्यम से, तो FFA में फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल में मैंने 2-3 ईयर्स रहता है। हमारा फाइनल ये तारो चाकन का समय से, तो सेकेंडली छोपा चटा का समय, वो जो वो में था क्या था सोशल सर्विस सेक्रेटरी असिस्टेंट में था पहले में दुलेट अमंग साथ का, और सेकेंड में सोशल सर्विस सेक्रेटरी में आ गया था। तो ऐसा हो कि इस बार तो अभी फॉर्मर में रह गया, तो उस समय से मतलब फिल्म मेकिंग, फिल्म पॉलिसी को कैसे किया जाता है स्टेट में हमारा, तो ये जैसे कि आबू शंभू फिल्म प्रोडक्शन में मैंने सेक्रेटरी में बताया, उस समय में सिंस 2012-13 का बात है, उसमें मैं शूटिंग में जाता था स्पॉट बॉय बन के, तो शूटिंग किस प्रकार से किया जाता है वो मैंने पूरा एनालाइज ऑब्जर्व किया, पूरा रिसर्च किया मैंने। तो आप हाल ही में एक देखा होगा इंडियन आइडल में जारू मारने वाला, वो स्टेज को सामने में वही सिंगर का ऑडिशन दिया था परफेक्टली, और कई इंस्टीट्यूट में नहीं सीखा, तो उसी प्रकार मैंने भी इसमें कदम रखने से पहले मैंने एनालाइज किया, मतलब आर्टिस्ट लोग का इसका मूवमेंट्स कैसा है, और मतलब डिक्शन कैसा है, प्रोनाउंस कैसा है, ड्रॉइंग कैसा होता है, कैमरा का मतलब वाइड शॉट वाइड एंगल कब लिया जाता है, और आपको शॉर्ट ये जो क्लोजअप कब देता है, मिड शॉट कब देता है, व्यू शॉट कब देता है, वो मैंने एकदम बारीकी से मैंने ऑब्जर्व किया, तब मैंने एक मतलब इसमें कदम रखने का मतलब अपने आप को थोड़ा मतलब वो किया, महसूस किया। उसमें फिल्म मेकिंग हमारा स्टेट में नहीं था, ना का बराबर था, तो फर्स्ट हमारा फिल्म ये जो अच्छी नाम की सहायता से समय में फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल में, उस समय IPR जो डिपार्टमेंट ऑफ IPR जो मतलब फिल्म को फेस्टिवल को मनाया था, तो उससे पहले हम लोग कभी फिल्म लाइन क्या है कैसे है पता नहीं था, एल्बम वीडियो आता था, मूवी भी सीरीज में जो आता था प्लेटफॉर्म ही नहीं था उसमें, बिल्कुल उस समय में मैंने कदम रखा, तो हम लोग को भी उलूस उलूस था। सो यू आर अ सीजन्ड एक्टर, अगर अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो वेल एक्सपीरियंस हो आप, देन बहुत 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 से बातें निकालूंगा इनसे मैं फिल्म मेकिंग के बारे में एंड ऑल दैट, बहुत ही वैसे इतना पता नहीं था मुझे टू बी रियली ऑनेस्ट कि मतलब कोई इतना प्रिपरेशन, क्योंकि वी सी ओनली द फाइनल प्रोडक्ट ना, आप स्क्रीन पे आता है हम लोग देख लेता है, तो आज पता चला कि यू नो देर आर सम सीरियस गाइज, सीरियस बॉयज एंड गर्ल्स वर टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, लाइक ना स्पॉट बॉय से शुरुआत करना, सो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। तो चलिए आते हैं अभी आपके जो लेटेस्ट मूवी जो आने वाला है साइमन सर, उसके बारे में बात करते हैं। निमे के बारे में आपने बताया कि यू नो एक ऐसा मूवी है जो सोली बेस्ड ऑन ए गर्ल एंड देन यू नो सब कुछ है इसमें, बट वो कहते कहते आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमसे कहा कि लाइक यू ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज इन द सोसाइटी, लाइक यू स्टडी द सोसाइटी एंड ऑल दैट ना, तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आगे रहता है या सोशल मैसेज आगे रहता है, विच इज द डोमिनेंट वन इन योर माइंड व्हेन यू आर मेकिंग अ मूवी? फॉर मी सोशल मैसेज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी से, लेकिन जब दोनों को जोड़ा जाए प्रोडक्ट क्वालिटी का निकलेगा, बिल्कुल निकलता है। तो मतलब आप इन शॉर्ट मतलब आपका जो मूवी मेकिंग का जो जैसे कि आपने जो कीड़ा कैमरा का जो पकड़ने का, सो ये सोशल मैसेज फैला मतलब देने के लिए आपने उठाया था ये? यस। ओके, तो वैसे तो मैं पूरा कहानी नहीं पूछूंगा, लेकिन निमा में किस टाइप का सोशल मैसेज मिल सकता है हम लोगों को, लाइक व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट मूवी, अगर मैं पूछना चाहूँ तो थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का? Okay. ये पुराना मतलब कि पुराना स्टोरी है, इसमें देखा जाए तो वो जमाना इतना भी नहीं, 2016 का कहानी है, तो बस बस्ती का मतलब 2016 होने से भी अभी बस्ती में बहुत सा जगह है जहाँ अंडर डेवलप है, तो ऐसे जगह बहुत सारा है जहाँ में अनएजुकेटेड लोग बहुत सारा है हमारे यहाँ, तो वहाँ क्या होता है
तो वो स्टोरी को लेके मैंने बनाया है, वो लड़की का साथ में क्या इंसिडेंट होता है और वो मजबूरी में यहाँ कैसे आ जाता है। हाँ तो मिस आगी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिंस यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आप एक छोटे टाउन से हो कंपेयर टू ईटानगर, सिंस अरुणाचल में एक ही शहर है ईटानगर नाहरलगन, ICR जो ईटानगर कैपिटल रीजन जैसा कहा जाता है, बाकी जो भी जगह से आए आप स्मॉल टाउन ही माना जाओगे, तो आप बोमडिला से हो, तो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू ईटानगर एंड देन यू नो एडजस्टिंग इन द मूवी इंडस्ट्री, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूँगा, लाइक फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, किस तरह से आपने मैनेज किया ये सब? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, मैं बोमडिला से हूँ, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कैपिटल पे अक्सर बढ़कर एक टैलेंटेड इंसान है ना, बहुत सारे लोग है सबको एक्टर एक्ट्रेस में, लेकिन इतना हजारों में से उसमें से ये मूवी के लिए मुझे सेलेक्ट है, तो मैं खुद को बोला की फील करती हूँ। और क्या बस सो लक ना, शी बिलीव्स, द प्रिटी लेडी बिलीव्स इन लक ना, बट जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे कि इन्होंने पहले बताया था कि यू नो यू हैव टू कीप वर्किंग ना, छोटा शहर से है बोल के खुद को नीचे नहीं रखना है, मूवीज करते रहना है, शॉर्ट मूवीज बनाया, फिर बाद में ऑडिशन दिया, बहुत लोग तो शायद ऑडिशन देने के लिए भी बहुत यू नो सोचते हैं, कांपते हैं एंड ऑल दैट, तो आपने यू नो दैट्स अ बिग थिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको दैट यू नो बोमडिला से सीधा है ना, अभी आप साइमन जी के साथ काम कर रहे हैं, दैट्स अ बिग थिंग ना। एंड देन पंकज जी, आपसे पूछना चाहूँगा, यू नो आई आस्क यू अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सिंस आप यू आर द सीजन्ड एक्टर हियर, आप काफ़ी दिनों से आप मूवीज में एक्ट कर रहे हो और आपने यू नो ग्राउंड लेवल से देखा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई इंसान एट दिस मोमेंट अगर वो सोचेगा कि नहीं यार मूवीज से ही मेरे को अपना घर चलाना है, म्यूजिक वीडियो से मेरे को अपने घर चलाना है, एडिटिंग से या डायरेक्शन से, मूवी से ही मेरे को घर चलाना है, हाउ मच इज इट पॉसिबल, कितना हद तक ये पॉसिबल है? एक्चुअली हमारा स्टेट में अभी जो जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है ये बहुत ही मतलब एक्सेप्टेबल है और बहुत ही अच्छा मतलब ट्रेंड चल रहा है। पहले आपको पहले मैंने बताया उस समय भी हम लोग उस दौर से हम लोग आया था, तो सर लोग के साथ में समय में कैम कोदर का जमाना था, अभी तो DSLR वगैरह इतना सुंदर सुंदर वो बड़ा सा जो कैसेट डालता था अंदर कैम कोदर, कलर ब्रीडिंग भी मतलब ढंग से नहीं किया जा सकता है उसमें, तो मैंने खुद एडिटिंग वगैरह भी किया तो देखा मतलब ढंग से नहीं किया, फ्रेमिंग जितना भी अच्छा रखो लेकिन उसका क्वालिटी जो मैटर करता है, तो आज का वो मैं आज का मतलब जनरेशन में क्या है कि हमें भी दिख जाता है स्मूथ इतना वो कलर भी, मतलब अभी जो एसलॉक वगैरह आ गया, सीलॉक वगैरह आ गया, तो उसमें आप जो फ्रेम में फुल फ्रेम में काम करने का मतलब मजा ही कुछ और है उस समय का कंपेरिजन में, तो मैं तो ये मतलब हमारा जो यंग बडिंग एक्टर जो और या फिर जो फिल्म मेकिंग में जो मतलब आना चाहेगा उसको मेरा सबसे तो यही मैसेज रहेगा, तो मतलब ये जो आप जो अगर एक्टर में जाएगा तो आप प्रोफेशन को मेंटेन कीजिएगा, तो अपना मतलब लक्ष्य को पाने के लिए तो कुछ आपको मतलब डेडिकेशन होना पड़ेगा, टाइम को होना पड़ेगा, और हमारा स्टेट का क्या है कि फिल्म मेकर लोग जो आर्टिस्ट लोग जो मैं भी उस दौर से गुजर रहा हूँ, तो क्या करता था मैंने जर्नी में देखा है बहुत लोग को, आपको शूटिंग में बोलेगा कल आपको 7 बजे को आना है, हाँ हाँ सर मैं आ जाए, 6 बजे को फर्स्ट डे में पहुँचता है, आपका वो हो जाएगा आपका बहाना, सर हम ट्रैफिक में फंसा अभी आएगा, हाँ आ रहा 11 बजे पहुँचता है, मतलब मेन जो क्या है पंक्चुअल नहीं है, तो आपका वहाँ में रिटर्न गियर जाता है, आपका सीनियर जो उसको वो चीज को मतलब एनालाइज करता है, अच्छा बच्चा इस प्रोजेक्ट में तो आपको यूज कर लेगा लेकिन नेक्स्ट में सॉरी शक्तिमान वाला हो जाता है, तो ऐसा हो कि हम लोग का मतलब अपना करियर को खुद से वो करता है, तो ये आर्टिस्ट का हो गया बात हो गया, अगर आप जो ऐसा नहीं कि पैसा ऐसा नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता है ना आजकल, आप अगर आपका पास टैलेंट है जैसे आगे मुरली ने कहा है, तो मतलब एक्टर लोग के लिए इसने मैसेज दिया, जैसे ये छोटा सा शहर से है हमारा जैसे कैपिटल का, हम तो सोचा भी नहीं था इसका साथ काम करेगा, लेकिन एक ही फ्रेम में अभी आ रहा है, है कि नहीं, बहुत मतलब खुशी का मोमेंट है, अभी सिल्वर स्क्रीन में आएगा, इतना अच्छा हो कोलाबरेशन का साथ,
मतलब वहाँ का वेस्ट कमिंग का और ईस्ट कमिंग का और यहाँ का मुंबई का आर्टिस्ट का साथ में काम किया, जर्नी भी मजा ही था। तो मतलब उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है। यहाँ का भी आर्टिस्ट लोग जो बाहर में काम कर सकता है, नेटफ्लिक्स वगैरह आ गया, अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म तो इतना आर्टिस्ट के लिए खुला है रास्ता, है कि नहीं? आप छोटा सा एक कमरा में, बंद कमरा में रहकर भी आपका टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो एक बात है, जो टेक्नीशियन में जो जाएगा ना, उसके लिए ज़्यादा स्कोप है हमारा स्टेट में अभी, मतलब दिल एजुकेशन जो, हाँ वो भूखा कभी नहीं मारेगा। लिख के दूंगा वो भूखा कभी नहीं मारा। हम जो मतलब एक्टर है भाई, तुम ठीक है ना? कभी कभी ऐसे लग रहा है कि ये यूनिट तो हमको नहीं कर रहा है क्या? एक्टर बोलते हैं, मतलब इतना तो वो लेवल में अभी तक हम लोग का मतलब कोटेशन वगैरह को, हाँ थोड़ा तो हॉनोरेरियम टाइप का कोटेशन वगैरह तो मिलता है, क्या जो बोलेगा ना, वो तो मतलब ओपन सीक्रेट है। तो हर एक प्रोजेक्ट में तो मिलता है, जैसे कि अपना एक बंगला बना सके, अपना एक मनपसंद का एक ऑडी खरीद सके, वो सब अभी तक सेटअप नहीं हुआ। वो भी एक ना एक दिन मतलब भगवान का दुआ से हो जाएगा। हमारा स्टेट इतना सुंदर है, बिल्कुल सब यहाँ ही आ रहा है अभी। हमारा स्नो मिलेगा आपको, वाटरफॉल मिलेगा आपको, डिजर्ट सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग। ये बात तो है। और लुक्स भी ऐसा है सर, आप कोरिया से भी मिलता है, चाइना से भी मिलता है, जापान से भी मिलता है, हमारे भारत देश में भी काम कर सकते हैं। हम तो एकदम मतलब यूनिवर्सल वाला लुक्स है, ठीक है ना? बिल्कुल। आप करके कोई भी वो लैंग्वेज में आप हिंदी को चला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डब करके यार, एनीवन कैन डब ना, डबिंग करके। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा व्यू पॉइंट आपने लिया, एक्सपीरियंस इट मैटर्स ना। सो लगे रहिए ना, दैट इनफैक्ट दैट इज द मैसेज कि लाइक आप अभी एक रुपया मिल रहा होने से क्या होगा, कल को तो आपको 10 रुपया मिलेगा, फिर परसों आपको 100 रुपया मिलेगा। सो मतलब लगे रहना चाहिए। एंड जैसे कि इन्होंने कहा टेक्नीशियंस के लिए तो इट्स मच बेटर, राइट? हमेशा खुला है, ये बहुत सही है। ऑफ कोर्स पंकज जी से तो पूछने का जरूरत नहीं, इतना मूवीज कर चुका है आपका तो मतलब आप तो 5 feature length मूवीज, आई थिंक इट्स नॉट अ जोक। बहुत कम एक्टर होगा जो 5 feature length मूवी किया होगा आपने, जैसे बोल। आप तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता हो, बट फिर भी इक्का दुक्का एक आता है ना, जो थोड़ा मतलब थोड़ा अरुणाचली भाषा में बोले थोड़ा एक्स्ट्रा वाला फैन लोग एक दो जब आ जाता है, तो हाउ डू यू हैंडल? क्योंकि हम लोग तो कभी पॉपुलर हुआ नहीं है, होगा भी नहीं है, तो हम लोग को मालूम नहीं है कैसा हैंडल करता है। तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? मतलब ये एक जैसे कि मैंने कहा, कोई कोई सोचेगा क्या पूछ रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि हर किसी का जब अचीवमेंट होता है तो सर चढ़ता है। या सो हाउ डू यू मैनेज दैट? मतलब ना एक्चुअल ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, एक्चुअल में ये जो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ये हमारा एक वो है एरोगेंट गमन ना, उसका वजह से हमारा लाइफ जो कोलैप्स की होता है, गलत एक डिसीजन ना, गलत एक। और एक आजकल का जमाना में तो आपका, हमारा यहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, बाहर का आप विदेश में आपका जैसे आप जो जस्टिन बीबर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक रात में ही स्टार बनने में एक रात ही उसको लाइफ चेंजेस है ना। आजकल तो हमारा यहाँ में ऐसा है, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया तो बहुत ही अच्छा, मतलब हमारा जो आर्टिस्ट यंग जो अभी जो फिल्म मेकिंग में जो एंटर कर रहा है, जो एंट्री ले रहा है, उसके लिए तो इतना रास्ता खुला है आपका। आप एक ये जगह में आप बैठ कर भी, एक बंद कमरा में बैठ कर भी, आप जैसे मेरा ये आगेम, मेरा को एक्टर जो आगेम ने बोला आपको, ये भी एक वो में था उस समय में, ये जो टिकटॉक का जमाना, मिलियन पार किया हमारा अरुणाचल से सबसे पहले, मतलब इसने मिलियन क्रॉस किया। तो उसी के चलते आज इस फिल्म में हम लोग रूबरू करने मिल रहे हैं, ये भी तो कुछ नसीब का बात है, है कि नहीं? अगर आपने उस समय नहीं किया होता तो सही जगह सही प्लेटफॉर्म में वो अपना आपको यूज नहीं किया होता, तो आज आप हमारा साथ नहीं बैठना था, आपका साथ हम लोग नहीं रहना, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ऐसा हो के मेरा तो ये कहना है कि आर्टिस्ट लोग से ये जो मतलब मैंने तो कभी ऐसा मतलब प्राउड फील वाला स्टारडम आपको मिला है ऐसा वाला नहीं था। साइमन जी, सुनने में आया है हमारे जो स्टेट के जो फेमस सिंगर हैं मिस्टर जेली का, उन्होंने भी कुछ एक ऐसा गाना है आपके लिए जो बहुत इंस्पायर करता है, जरा उस गाने के बारे में हमें थोड़ा बताइए आप। आप लोगों को बता दूं, जो हमारे फिल्म में जो गाना है उसका सिंगर है जेली काय, और गाना का नाम है तमन्ना। वाओ। तो जेली काय, थैंक यू सो मच, अगर आप देख रहे हो तो आपने एक छोटा सा फिल्म मेकर को
अब इतना बड़ा आदमी सपोर्ट किया, इसी तरह से हमारे फिल्म मेकर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सिंगर हम डायरेक्टर दोनों मिलके चलेंगे तो पार देंगे यार। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, स्पेशली ऑडियंस को बताना चाहूँगा, जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था तब समय में एक वही था जो जिसको दिलो जान से मैं प्यार करता हूँ, जो जो हर एक कदम हर एक मुश्किल में मेरा साथ दिया, हर जगह में चाहे दुख हो सुख हो, चाहे खाने के लिए मिलो मत मिलो, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हाँ वही है मेरा जिंदगी, मतलब कि लाइफ का पार्टनर मिसेस बामंग रेखा। थैंक यू सो मच माय वाइफ, लव यू, थैंक यू सो मच। और कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, हमारे तमन्ना फिल्म का जो गाना है, तमन्ना गाना में कोरियोग्राफर है टक्स वांगसू, जो एक कोरियोग्राफर है, ही इज़ ए ब्रिलियंट कोरियोग्राफर। अरुणाचल में देखा जाए तो वो एक बंदा है जो अच्छा कोरियोग्राफ करता है। थैंक यू सो मच तकने, मतलब प्यार से हम तकने बोलते हैं उसको। तो यही कहना चाहते, थैंक यू सो मच। तो साइमन जी, हम अपने एपिसोड के अंत में आ रहे हैं अभी। जैसे कि एक आर्टिस्ट ने एक गाना गाया था कि लाइक व्हाई डू ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, तो मुझे तो बहुत मज़ा लग रहा है बात करके आप लोगों से, बात करके, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रिटी लेडी हियर, एंड व्हेन देयर इज अ प्रिटी लेडी इट्स ऑलवेज नाइस। सो बात करके तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स लाइक आई हैव टू एंड दिस, बट बिफोर वी लेट यू गो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइक फिल्म मेकिंग एंड देन डांसिंग एंड देन सिंगिंग ऑल दीज थिंग्स, अभी अरुणाचल में क्या है कि लाइक पेरेंट्स का माइंड में भी ये है कि मतलब ये सब ऐसे ही, मतलब जस्ट तुम जस्ट अपना मन को थोड़ा बहलाने के लिए कर लो, सीरियसली नहीं लेता इसको ना। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सुनने में आया कि आपके यू नो योर वाइफ वॉज वेरी सपोर्टिव एंड देन गाना भी कुछ बनाया है आपने इससे रिलेटेड, तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि यू नो ये चीज़ को कैसे चेंज किया जाए ना, और किस लिए चेंज करना जरूरी है, हमारे ऑडियंस को बताइए आप। पढ़ाई तो एक बेसिक चीज़ है जो हमारे इंडिया में दिया जाता है, हर किसी को बच्चा जब पैदा होता है तो आपको पढ़ाई करना है, लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि आपको इससे आपको डांस भी सीखना है, इसको ये करना है, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है और अरुणाचल ही बदल जाएगा ये चीज़ में, और अलग स्टेट तो बहुत आगे जा चुका है इसमें, वो लोग पैदा होने का साथ साथ, मतलब बच्चा बढ़ने का साथ साथ जब वो क्लास 1-2 पर पढ़ता है तब समय उनका टैलेंट को देखता है, वो बदन कैसे हिलता है, तो अगर उसी हिसाब से उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका करियर को बूस्ट किया जाता है। तो मैं अपने मम्मी पापा, अपने लोकल में बोला जाए तो अन्य आबू आची पाए भाभी आता निर्मलंग हाल हुए गोदन ने सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट, आपका प्यार और आपका भूसा, वही चीज़ है जो आपका सपोर्ट और आपका प्यार ही आपका बच्चा को आगे ले जा सकता है। हम वही दिल से आप लोग से दुआ करते हैं कि सपोर्ट कीजिए, अगर वो जो भी लाइन में जाना चाहता है सपोर्ट कीजिए, नॉट ओनली इन फिल्म मेकिंग, नॉट ओनली इन डांसिंग, हर एक जगह पढ़ाई में देखिए तो पढ़ाई में भेज दीजिए, अगर वो कुछ भी करता है वो इंटरेस्ट इसमें, इसमें उसका गुण है, मतलब टैलेंट है, सो काइंडली उसे बूस्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली वो अपना करियर बना लेगा। वाओ, वाइज वर्ड्स, जो भी करना है दिल से करना है, और जब दिल से कोई कर रहा है तो दिल लगा के उसका साथ देना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे जो साइमन जी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद साइमन जी, आप आए यहाँ पे, पंकज जी एंड आगिम मिस अगिम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका जो मूवी है जरूर, मैं सारे दर्शकों को निवेदन करना चाहूँगा, जाइए और देखिए, इट्स अ गुड मूवी, इट्स बेस्ड आउट ऑफ ए रियल लाइफ, एंड दिस इज समथिंग दैट विल नॉट जस्ट एंटरटेन यू बट ऑल्सो यू नो लीव अ पीस ऑफ मैसेज इन योर हार्ट विच विल होपफुली मेक योर लाइफ बेटर। थैंक यू सो मच साइमन जी, मिस अगिम एंड देन पंकज जी, सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, मे यू ऑलवेज अचीव वट इज गुड, एंड देन बहुत अच्छा लगा, कीप द फेथ, जो आप लोग का जो चल रहा है उसे आप जारी रखिए, एंड मे गॉड गिव यू ऑल द गुड थिंग्स। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सिल्वर स्क्रीन के स्टारों का जो एपिसोड था, हम इसके अंत में आ चुके हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मुझे हमेशा लगता है बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नई नई चीज़ें सीखने को मिला, एंड देन आज पता चला कि फिल्म मेकिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है, बट इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस माई डियर फ्रेंड्स, सो लेट अस टेक देम सीरियसली, लेट अस सपोर्ट देम।
हमारे टाइसन टॉक शो को भी आप देखते रहिए, संडे 3 बजे को आता है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं, टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड मे यू ऑल बी हैप्पी एंड इन पीस, थैंक यू।